व्यूअर, मैं हूँ इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर, आज मैंने आपके साथ मोटो ब्लॉगिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है, ठीक है व्यूअर। और आपके साथ मैं इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आज मोटो ब्लॉगिंग का। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं निकला हूँ घर से, ठीक है व्यूअर। और आपके साथ मैं मोटो ब्लॉगिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा, ठीक है। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मोटो व्लॉगिंग का। ये इसका बेसिक मकसद ये है कि खासकर न्यू वो लोग जो मोटो व्लॉगिंग का करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और इसके पास ना तो हैवी बाइक है और ना हैवी कैमराज हैं, मैं सिंपल अपने मोबाइल को, सेल फ़ोन को, जो मैं बेसिक डेली लाइफ पे मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं उसको यूज़ करूँगा। और वही बाइक जो मैं घर के काम के लिए यूज़ करता हूँ वही यूज़ करूँगा। और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि न्यू कमर को मोटिवेशन मिले इससे कि किस तरह हम अपने करियर को स्टार्ट कर सकते एज ए मोटो व्लॉगिंग यूट्यूब पर, ठीक है। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे ताकि हमारा मकसद वो लोगों को टारगेट करना है जो अपने मोटो व्लॉगिंग का फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग का करियर स्टार्ट करना चाहते हैं और इसके पास नाम यानी वो अपने अखराजात का वो नहीं कर सकता, ठीक है व्यूअर। बस मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है और उन लोगों को मोटिवेट करना है जो हम और जिसके पास ना तो हैवी बाइक, मैं बिल्कुल अपने घर के लिए जो बाइक यूज़ करता हूँ वही मैं इस पर यूज़ करूँगा और इंशाल्लाह हम उस लोगों के लिए एक मोटिवेशन का मिसाल बनेंगे कि वो अपने मोटो व्लॉगिंग का करियर किस तरह स्टार्ट कर सकते। ये मैं टाउन से निकला और ये टाउन का जो शॉप्स वगैरह है ये देखे भी पर माशाल्लाह रात के वक़्त काफ़ी रौनक होती है। पहले टाइम में जब हम नए नए आए थे 2010 की बात है, उस टाइम तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, ठीक है, और ना इतनी दुकानें थी, बिल्कुल ये जगह सुनसान इलाका था, ठीक है व्यूअर। ये जगह बिल्कुल सुनसान था और यहाँ पे फसल काश्त करता था किसान हजरात, ठीक है। ये सामने ज़रखेज़ ज़मीन थी, ये सामने ये सामने ज़रखेज़ ज़मीन थी, ये ठीक है व्यूअर। अच्छा व्यूअर, मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता था कि मैं मोटो व्लॉगिंग का सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद यह है कि हम उन लोगों को मोटिवेट करें जो जिसके पास इन्वेस्टमेंट की कमी है, ठीक है व्यूअर। ये मेरा मिशन है और ये मेरा मकसद है और ये इंशाल्लाह हम एक मोटिवेशन का इंशाल्लाह बहुत से लोग इससे मोटिवेट होंगे कि वो अपने बेसिक सेटअप से वो अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। मोटो व्लॉगर बहुत अच्छी करियर है, वैसे मुझे ट्रैवल का बहुत शौक है, ठीक है व्यूअर। अच्छा व्यूअर, ये हम मेन रोड बस में इंटर होने वाले हैं, ठीक है। ये रोड काफ़ी ख़राब है, पहले इतना ख़राब नहीं था लेकिन अब तो काफ़ी ख़राब है रोड। ये इलाका आता है नसीबाबाद, काफ़ी जंप बने हुए हैं, शायद आपको व्लॉग में महसूस होगा, ठीक है। मैं मोटरसाइकिल बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ ताकि व्लॉग डिस्टर्ब ना हो, लेकिन देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहता है। मैं बेसिक आ,
बेसिक सेटअप से मैं इसको इंशाल्लाह कैरी ऑन करूँगा और आपके साथ वक्तन फ़वक्तन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ठीक है व्यूअर, अरे बाबा जी आप भी आ रहे हैं, ये ट्रक वाला ट्रैक्टर वाला देखे, ये देखे रास्ता देव भाई जान। अच्छा ये इलाका आता है पुराने खाने का, ठीक है ये इलाका आता है पुराने खाने में, ऑफ रोडिंग करूँगा आज क्योंकि एक तो पहला एक्सपीरियंस है और ठीक है बाद में इंशाल्लाह फिर लॉन्ग टूर भी करेंगे वक्त के साथ साथ, अब तो गर्मी है। ठीक है व्यूअर, व्यूअर लाजमी सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है क्योंकि आप मेरी फैमिली मेंबर हैं और इंशाल्लाह हम मोटिवेट करेंगे उन लोगों को जो अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग भाइयों की मुझे काफ़ी भाइयों बहनों की मुझे मैसेज आई थी इंस्टाग्राम पे, ठीक है कि हम मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास ना तो हैवी बाइक्स हैं स्पोर्ट्स बाइक्स ना दूसरा जो मोटो ब्लॉगर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना वो हैं हमारे पास, ठीक है और ना गोप्रो है ना दूसरा कैमरा है। फिर मैंने ये बेहतर समझा कि मैं खुद मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल इनिशियल लेवल से, ठीक है क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को मोटिवेशन मिलता है जब आप इसको खुद एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है क्योंकि मैं तो एक SEO का काम करता हूँ ऑनलाइन, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता लेकिन फिर भी मैंने बेहतर समझा कि मैं ये खुद ये एक्सपीरियंस मैं खुद आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। ये हम बड़ी नहर पे आ गए, ये माशाल्लाह का ये रूट तो बेहतर है लेकिन दूसरा जो छोटी नहर का रास्ता था वो तो काफ़ी ख़राब है, उसमें पहले ठीक था लेकिन अब काफ़ी जंप्स बने हुए हैं, ठीक है ये दुकानों की वजह से अभी तो काफ़ी आबादी आई है। ठीक है व्यूअर, अच्छा व्यूअर मैं टाइम बड़ा मुश्किल से मैं निकालता हूँ मोटो व्लॉगिंग के लिए और सिर्फ़ और सिर्फ लोगों इनिशियल स्टेज पे जो लोग हैं वो उसको मोटिवेट करना है, ठीक है और हम सब मिल के एक मिसाल बनेंगे कि वो भी अपने मोटो व्लॉगिंग का करियर स्टार्ट करें, ठीक है। ये ग्रीनरी चेक करें, ये ग्रीनरी चेक करें व्यूअर, ये देखें बड़ा बला आ रहा है और ट्रल आ रहा है, अल्लाह खैर करे। ठीक है गुजर, ये हम इंटर हो गए अमाद गार्डन में, दूसरी सोसाइटी है, ठीक है उसका भी मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। ये इतनी खूबसूरत नहीं है, देखिए काफ़ी गंद बना पड़ा हुआ है, काफ़ी जड़ी बूटियाँ हैं प्लांट्स में, ना इसकी कोई सफाई है ना उसका कोई पूछने वाला है, ठीक है बस प्लाट ले लिया बस, बस आप खुद काम हो आप जाने जो छोटी नहर को निकलता है, ये सामने माशाल्लाह मस्जिद है। अच्छा ये बिरयानी में आपको किसी इसका भी मैं एक दिन आपको रिव्यू करवाऊँगा बिस्मिल्लाह कराची बिरयानी का, ठीक है व्यूअर।
देखिए जानवर के साथ जुल्म कर रहे हैं, देखिए इतना लोड डाला हुआ है भैंस को। ये स्कूल का टाइम है, काफ़ी रश है रोड पे, स्कूल का टाइम है। ये मैं इंटर हो रहा हूँ टाउन के गेट में, अपने टाउन के गेट में, ठीक है।